सो गाइस अराउंड 2 वीक्स पहले मैंने बहुत ही कमाल के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का रिव्यू किया था, वो है पीट्रॉन के बेस बड्स जो कि आपको 999 रुपीज़ में अमेजोन पे मिल जाएंगे। और उस रिव्यू का लिंक मैं आपको कार्ड्स के अंदर दे देता हूँ। बट आज मेरे पास है पीट्रॉन के बेस बड्स प्रो जो कि मैंने 1300 रुपीज़ में अमेजोन से परचेज किए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इसका रिव्यू कर लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या खास है इन प्रो वेरियंट के अंदर एंड कितने ज़्यादा वर्दी हैं ये परचेज करने के लिए। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दें एंड बेल आइकन को बीट कर दें। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पीट्रॉन बेस बड्स की जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, बट इसके अंदर हमको सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मिल जाती हैं। लाइक 10 मीटर की ट्रांसमिशन रेंज है, 4 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम है एंड 3 आवर्स का टॉक टाइम मिल जाता है। एंड ईच ईयरबड की जो बैटरी कैपेसिटी है 40 mAh की है एंड चार्जिंग केस के अंदर हमको 300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 1.5 आवर्स लेता है फुल चार्ज होने में। तो आप ईयरबड्स को जो है 3 टाइम्स इस चार्जिंग केस से चार्ज कर पाएंगे। इसके ऊपर जो MRP है वो 2900 का है यानी आपको 1300 के अमेजोन पे मिल जाएंगे। तो बॉक्स को ओपन करते ही गाइस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चीप पैकेजिंग है इस पीट्रॉन बेस बड्स प्रो की। और इसके अंदर हमको एक USB Type-C की डेटा केबल मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं मीडियम और लार्ज साइज़ के। एंड इसके अंदर हमको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है एंड एक वारंटी कार्ड है जिससे आप अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। बट गाइस जो पीट्रॉन बेस बड्स प्रो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही कमाल का फॉर्म फैक्टर है इनका एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। एंड इसके अंदर जो है यहाँ पे पीट्रॉन की ब्रांडिंग है एंड बैक साइड पे चार्जिंग केस के हमको कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। लाइक इसके अंदर 300 mAh की बैटरी है, बैक साइड पे USB Type-C का पोर्ट है। सो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड गाइस जैसे ही आप इन पीट्रॉन बेस बड्स को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको डिजिटल बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि आपके चार्जिंग केस की बैटरी की परसेंटेज बताते हैं। एंड गाइस आप जैसे ही इन ईयरबड्स को बाहर निकालेंगे तो ये विदिन 10 सेकेंड्स आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम है बट ये विदाउट एनी प्रॉब्लम आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एंड इसके अंदर हमको जो है टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, तो सिंगल टैप से प्ले एंड सिंगल टैप से पॉज हो जाता है, डबल टैप से आपका सॉन्ग जो है वो चेंज हो जाता है। एंड देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इसकी जो टच है, विदिन अ सेकेंड जो है आपका सॉन्ग चेंज हो जाता है एंड ट्रिपल टैप से जो है ये आपके गूगल असिस्टेंट को ऑन कर देता है। तो गाइस बॉक्स को ओपन करते ही मेरा फर्स्ट रिएक्शन बहुत ही अमेजिंग था। मुझे बड्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगे क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्मॉल साइज़ के हैं ये, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड सबसे कमाल की बात है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। ये मैट फिनिश किए हैं एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग के साथ आते हैं, काफ़ी लाइट वेट है। एंड अगर हम इनको गैलेक्सी बड्स के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हैं एंड इनफैक्ट मुझे काफ़ी क्यूट लग रहे हैं ये गैलेक्सी बड्स के आगे। एंड गाइस ये जो ईयर्स के अंदर है काफ़ी अच्छे से फिट हो जाते हैं, आपको सिंपली इनको ईयर्स के अंदर इंसर्ट करना है एंड नीचे की तरफ इनको टिल्ट करना है तो ये बिल्कुल भी फॉल नहीं होंगे। अगर मैं इनकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया मैं लास्ट 2 डे से इनको यूज़ कर रहा हूं, मुझे काफ़ी डिसेंट लगी, काफ़ी अच्छे मिड एंड लोज हैं, बहुत ही क्लियर वोकल्स हैं एंड जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। एंड गाइज अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो जो इसकी लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है आपकी ईयर्स के लिए, बिल्कुल भी आपकी ईयर्स में जो है अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। बट अगर हम इसको पबजी खेलते टाइम यूज़ कर रहे हैं तो गाइज मुझे काफ़ी बार लैग देखने को मिला, जो गन का शॉट है वो पहले फायर हो जाता है एंड आवाज़ जो आपकी ईयर्स के अंदर बाद में आती है, तो ये डेफिनेटली पबजी खेलते टाइम काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं। एंड कॉल क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, उसमें भी मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम लाउड एंड क्लियर साउंड थी। एंड माइक जो है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है तो आपको उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो गाइस इन ईयरबड्स में हमको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है, तो इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट ब्लूटूथ 5.0 होने के बाद भी ये जो ब्लूटूथ ईयरबड्स है 2 फोन्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। मैंने बहुत ट्राई किया बट मैं इनको 2 फोन्स के साथ एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। एंड अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, आपको फुल चार्ज के बाद जो है अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा चार्जिंग केस के साथ। सो गाइस ओवरऑल ये जो ईयरबड्स हैं मुझे बहुत ही कमाल के लगे। स्टार्टिंग में मुझे ऑटो डिस्कनेक्ट ऑटो कनेक्ट की प्रॉब्लम आ रही थी बट उसके बाद मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड अगर हम इनको पीट्रॉन बेस बड्स के साथ कंपेयर करें तो जो इन पीट्रॉन बेस बड्स प्रो
इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की है, एंड इसके अंदर हमको एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, लाइक इसके अंदर यूएसबी टाइप सी का पोर्ट है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा प्रीमियम लगती है, एंड इसके अंदर हमको डिजिटल बैटरी इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अगर आपका बजट आप 999 रुपीज़ से 3900 रुपीज़ तक इंक्रीज कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि ये जो पीटोन बेसबड्स प्रो है एक बहुत ही कमाल की डील है परचेज करने के लिए। मैं इन ईयरबड्स को रेट करूँ तो आई वुड रेट देम 4 out of 5 बिकॉज इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है एंड जो इसका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आप इन ईयरबड्स को 3900 रुपीज़ में अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। एंड गाइज अगर आपके माइंड में कोई डाउट या कन्फ्यूजन रह गया है तो आप मुझसे वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। गाइज जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को वेट कर दें। सो अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।